जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना ही YouTube चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का गणित का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता है कि संकेतों ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू में से, ये इक्वल टू है बराबर, ठीक है, इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान, जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर भरना है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग ट्रिक भी देखेंगे, जिससे आप क्वेश्चन को देखें और सीधा इसको पुट कर सकते हैं आप चिन्ह को, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है 3/7, -3/7 और एक है 2/3। तो आपको हमने परिमेय संख्याओं की तुलना में बताया था कि कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या जो होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या वो हमेशा छोटा होगा किससे, जीरो से, और धनात्मक परिमेय संख्या जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, जीरो से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और एक धनात्मक परिमेय संख्या है। सीधा सीधी देखा जाए तो ऋणात्मक परिमेय संख्या जो होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या जो होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, धनात्मक परिमेय संख्या से, ठीक है। धनात्मक परिमेय संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या और ये धनात्मक परिमेय संख्या है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, धनात्मक वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जिधर बड़ा रहता है उसके तरफ मुंह खुला रहता है, यानी कि ये वाला हम लोग लगा देंगे, ये हमारा हो गया लेस देन, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। दूसरा जो है वो है -2/3 और यहाँ पर है आपका 5/-8। अब यहाँ लफड़ा हो गया, लफड़ा ये हो गया कि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अब काम नहीं करेगा, क्योंकि ऋणात्मक छोटा होता है, धनात्मक बड़ा होता है, लेकिन यहाँ दोनों ऋणात्मक है। अब हम लोगों को लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट पहले हम लोग देखते हैं, फिर ट्रिक भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ -2/3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, -2/3। अब देखिए नीचे इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 3, और इसका जो है वो है 8। माइनस को आप ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसका लेंगे एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम होगा 3 और 8 का, आपको पता है डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, डायरेक्ट गुणनफल होगा इसका, तो ये हो जाएगा 24। यानी कि इसको हम लोग बनाएंगे 24, तो 3 में क्या गुना करें कि 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो कहेंगे कि 8 गुना करेंगे, तो ऊपर में भी 8 कर दीजिए, तो माइनस में हो गया ऊपर 16 और नीचे हो गया 8 दिया 24। तथा यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 5/-8 है, इसको हम लोगों को बनाना है कितना, हम लोगों को इसको बनाना है नीचे 24, तो 3 से गुना कीजिए, ऊपर में भी 3 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 5 दिया 15 और नीचे में 8 दिया 24। ये माइनस यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब एक चीज़ याद रखिए कि जितना ज़्यादा माइनस होगा, जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना छोटा होगा, यानी कि -100 जो है वो -20 से छोटा है, -2 जो है -1 से छोटा है, -1 जो है वो 0 से छोटा है, -3 है वो -2 से छोटा है, -3 है वो -1 से भी छोटा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं माइनस में जितना आगे जाएंगे उतना छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में है 15/24 और ये माइनस में है 16/24, तो ये पहले यहाँ पर ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन माइनस में है, तो माइनस में है इसी के चलते ये वाला हमारा हो जाएगा क्या, बड़ा हो जाएगा। माइनस में जो कम रहेगा वो बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो सिंबल लगेगा वो इस तरह का सिंबल लगेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये था हमारा कॉन्सेप्ट ट्रिक। अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रिक किस तरह से, हम लोग एक लाइन भी सॉल्व नहीं करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए ट्रिक से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो जीरो वाला है तो सीधा पता चल जाएगा, ये जीरो यहाँ पर देखिए जीरो है, जीरो ऋणात्मक परिमेय संख्या से हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ तो सीधा पता चल गया। आप देखिए इसमें आ जाइए, डी नंबर में आ जाइए, तो ये बोल रहा है, ये भी आसान दे दिया, -3/-2/-3, यहाँ पर खाली स्थान है, इधर जीरो है, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो गया, तो प्लस जीरो से कोई भी पॉजिटिव परिमेय संख्या बड़ा होता है, तो यहाँ से ये पता चल गया रिक्त स्थान में वो हो जाएगा। ई नंबर को देखिए, ई नंबर में देखिए हम लोग लगाएंगे ट्रिक, क्या लगाएंगे ट्रिक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हम लोगों को भरना है -3/22 है, 22, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हर को समान कर सकते हैं, ऊपर में 2 से गुना करके हम लोग तो इसको बना सकते हैं, लेकिन उतना नहीं करने के लिए हम लोग ट्रिक लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 11/33, ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो 11/22 44। तो देखिए ये 44 हो रहा है और ये 33 हो रहा है,
तो ऋणात्मक में भी रहेगा तो ये -33 और ये -44, तो -33 छोटा हो रहा है तो -33 जो है वो ऋणात्मक में छोटा है, तो यहाँ पर सिंबल वो एक्चुअल में बड़ा होगा, ठीक है। ऋणात्मक में छोटा रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रिक, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बना के कमेंट करना है, ठीक है। 1/-3 और यहाँ पर आप लिख दीजिए, खाली स्थान छोड़ दीजिए, 1/4, ठीक है, -1/4। तो देखिए इसमें आपको ट्रिक लगाना है, 4 को इधर गुना करना है, 3 को उधर गुना करना है, और आप कौन सा सिंबल लगेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।